बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीशा किचन। क्या हाल है आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये देखें, आज मैं आपके लिए बड़ी स्पेशल से चनों का पुलाव बना रही हूँ। ये देखें, मैंने चने पहले पानी में भिगो के रखे थे, ये तकरीबन 4-5 घंटे मैंने भिगो के रखे, फिर मैंने इनको बॉइल कर लिया। ये देखिए तकरीबन ऐसे गल चुके हैं, ये जितने गला दिए मैंने। और इसके लिए देखें, चावल भी मैंने 2.5 गिलास चावल के लिए मैंने इनको मैंने भिगो के धो के रखा हुआ। अब चले स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये थोड़े प्याज है मैंने इनको पहले से ब्राउन करके इनको थोड़ा सा मैंने भी प्याज है मैं इनको निकाल लूँगी। ये थोड़े ब्राउन हो जाए तो फिर ये हम पुलाव में ऊपर से डालेंगे। ये मैंने थोड़े से पहले, जब तक मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं चनों की रेसिपी, जब तक मैंने इनको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। इनको ब्राउन करके मैं अलग से निकाल के रख लेती हूँ, फिर बाद में हम कैसे पुलाव बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ऊपर से जो मैंने कहा ऊपर से डालेंगे चावलों में, वो प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं। अब ये वाले मसाले के लिए चावल बना के प्याज ब्राउन कर रहे हैं। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं गोल्डन करेंगे, बस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, फिर इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डालती हूँ। ये थोड़े ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 बड़े प्याज थे, इनको मैंने ब्राउन किया। इसमें ये डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक का मैंने 1 छोटा पीस लिया और लहसुन मैंने पूरा 1 लिया ना। और इसमें 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने कूट के डाला है इसमें। अब इनको थोड़ा सा इसके साथ प्याज के साथ थोड़ा सा भुनेंगे इसको, फिर देखें इसमें मैं क्या डालती हूँ। मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें इन सबको मैंने इसको कूट के इसमें डाला, डालने के साथ इनको भुना। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे मसाले। ये देखें, इसमें है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 से थोड़ा चमचा मैंने इसमें डाला है काली मिर्च, और बाकी इसमें मैंने डाले साबुत गरम मसाले। ये देखिए, 2 दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियां, 5-6 लौंगे और 1 बादियान का फूल, और सूखा धनिया मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। अब इन सबको इसके साथ थोड़ा भून के इसमें भी डाल देंगे इसमें ये टमाटर, ये है 3 टमाटर। अब इन टमाटरों के साथ भूनेंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है खुशबू के लिए, और इसका अच्छा इसका खुशबू अच्छी आएगी और जायका भी इससे अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें मैंने ये भी डाल दिया है टमाटर। टमाटर को इसके साथ भूनेंगे थोड़ा, बाकी इसमें डालेंगे लाल मिर्च। 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाली हैं और हरी मिर्चें भी डाली हैं। अब जब तक मेरा मसाला भुनता है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। गरम मसाले ये सारे भुन गए अच्छे तरीके से, मसालों की खुशबू बड़ी जबरदस्त से आ रही है। अब ये देखें, ये चने उबले हुए, और इसमें जो थोड़ा सा पानी था वो भी सब इसके साथ डाल देंगे। उबले हुए चनों का पानी है ये भी इसमें डाल देंगे। चावल है हमारे 2.5 गिलास, पानी हम डालेंगे इसमें 4 गिलास, 1 गिलास 3 गिलास में पानी के ऊपर डाल के अब हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं। पानी उबल गया, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डाल के इसमें इसको चम्मच इसको ऊपर नीचे कर देंगे, उसके बाद ऐसे करके थोड़ा सा पानी देके हाथ पे ऐसे नमक चेक करेंगे। मुझे थोड़ा नमक इसमें कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक हम इसमें और डाल देंगे। अब इसको ऐसे मिक्स करके
चावल हमारे हो चुके हैं, पानी इसका खत्म हो गया, अब इसको हम कर देते हैं दम पे। दम पे लगाने से पहले ये थोड़ा सा पुदीना छिड़केंगे इस पे, और ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखे थे ये डालेंगे इसमें। इसको ढक्कन लगा के अब हल्की आग पे इसको दम कर देते हैं। देखें कितने अच्छे पुलाव माशाल्लाह तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लीजिए माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की हमारी चने की पुलाव तैयार हो गई। ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।